हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता है और ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आज के समय में छोटे से बड़े कामों को कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से किया जाता है। इसका इस्तेमाल लोग हर तरह से करते हैं, चाहे वो बैंकिंग काम हो या ऑफिशियल काम हो या फिर पढ़ाई करनी हो या किसी भी तरह का काम हो। इसमें कंप्यूटर या लैपटॉप हमारे लिए काफी जरूरी साबित होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कंप्यूटर या लैपटॉप हमारे कामों को बहुत ही ज्यादा आसान और फास्ट कर देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप कंप्यूटर या लैपटॉप में अपने कामों को और भी ज्यादा आसान और फास्ट बना सकते हैं? क्योंकि कंप्यूटर के कीबोर्ड में बहुत से ऐसे शॉर्टकट कीज के फंक्शन दिए रहते हैं, जिससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने आपको कंप्यूटर के बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स और कीबोर्ड शॉर्टकट कीज के बारे में बताया था, जिसका लिंक आपको या नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर के आई बटन में मिल जाएगा। इसकी मदद से आप कंप्यूटर या लैपटॉप में अपने कामों को बहुत ही सिंपल और फास्ट बना सकते हो। अब बात आती है कंप्यूटर कीबोर्ड के फंक्शन कीज की। क्या आपको पता है कि कीबोर्ड में मौजूद फंक्शन कीज क्या काम करता है? सभी कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज एक सीरियल वे में दिए रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह पता होता है कि इन फंक्शन कीज का क्या काम होता है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वैसे देखा जाए तो सभी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में फंक्शन कीज के अलग अलग काम होते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको इनके मेन फंक्शन के बारे में बताऊंगा, जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पहले से ही डिफाइन किया जाता है। तो आइए जानते हैं इन फंक्शन कीज के कामों के बारे में। दोस्तों, फंक्शन कीज के सीरीज में सबसे पहले F1 की आता है। इसकी मदद से आप कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का हेल्प सेंटर ओपन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और F1 की को प्रेस करते हैं, तो यह उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का हेल्प सेंटर को ओपन कर देता है, जिसके मदद से आप उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप इसके हेल्प सेंटर से उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आप कंप्यूटर को ऑन करते समय F1 की का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन करते समय F1 की को प्रेस करते हैं, तो आप कंप्यूटर सेटअप वाले ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। आप यहां से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के सेटिंग को चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों, F2 की समय की बचत के लिए बिल्कुल सही माना जाता है, क्योंकि इस की के मदद से आप कंप्यूटर के फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं या उसके नाम को बदल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो जब भी हमें किसी फाइल या फोल्डर के नाम को बदलना होता है, तो हम हमेशा उस फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक कर रीनेम फाइल करते हैं, लेकिन यहाँ आप F2 की के मदद से बहुत ही आसानी से उस फाइल या फोल्डर के नाम को बदल सकते हैं। इसके लिए बस आपको उस फाइल या फोल्डर पर क्लिक करना है और F2 की को प्रेस करना है। उसके बाद आपको फाइल रीनेम के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस F2 की के मदद से डॉक्यूमेंट फाइल के प्रिंट प्रीव्यू को देख सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में F2 की से एक्टिव सेल को एडिट कर सकते हैं। दोस्तों, F3 की का इस्तेमाल आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी सॉफ्टवेयर ऐप को सर्च करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप विंडोज के डेस्कटॉप पर F3 की को प्रेस करते हैं, तो विंडोज का सर्च बॉक्स खुल जाता है। वहां आप टाइप करके अपने कंप्यूटर के डेटा फाइल्स या किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को सर्च कर ओपन कर सकते हैं। हालांकि यह विंडोज की के साथ S की को एक साथ प्रेस करके भी किया जा सकता है। इसके अलावा विंडोज में किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद F3 की को प्रेस करते हैं, तो वहां आपको फाइंड बॉक्स खुलकर आ जाता है, जिसके मदद से आप उस पर्टिकुलर ऐप में अगर कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो उस फाइंड बॉक्स पर टाइप करके सर्च कर सकते हैं। इसे कंट्रोल की के साथ ऐप की को एक साथ प्रेस करके भी किया जा सकता है। F3 की का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी किया जाता है। वहां आप शिफ्ट की के साथ ऐप की को प्रेस करके टेक्स्ट को लोअर केस में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, F4 की का इस्तेमाल करके आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल एक्सप्लोरर के एड्रेस बार पर पहुंच सकते हैं और आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर में भी सर्च एड्रेस बार पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा F4 की का इस्तेमाल ज्यादातर अल्ट की के साथ किया जाता है। आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर जाकर अल्ट की के साथ F4 की को प्रेस कर अपने सिस्टम को शट डाउन, रिस्टार्ट, स्लीप या फिर साइन आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए भी अल्ट की के साथ F4 की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से आपको ऊपर के राइट कॉर्नर वाले क्रॉस आइकन को प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
दोस्तों F5 की का ज्यादातर इस्तेमाल रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो विंडोज में डेस्कटॉप पर जाकर F5 की को प्रेस करने पर आपका सिस्टम रिफ्रेश हो जाएगा। आप कंप्यूटर ब्राउजर में किसी पेज को रीलोड या रिफ्रेश करने के लिए भी F5 की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके कंप्यूटर ब्राउजर में कैश फाइल डिलीट हो जाता है और वह पेज नए कैश डेटा के साथ शुरू होता है। आप किसी डॉक्यूमेंट फाइल को भी रीलोड या रिफ्रेश करने के लिए भी F5 की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइल एक्सप्लोरर में भी F5 की का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के डेटा फाइल्स को रिफ्रेश कर सकते हैं। इन सब के अलावा विंडोज के पावर पॉइंट में जाकर F5 की को प्रेस करके स्लाइड शो को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों F6 का इस्तेमाल आप कंप्यूटर ब्राउजर में सर्च एड्रेस बार पर जाने के लिए कर सकते हैं। अगर आप किसी कंप्यूटर ब्राउजर में उस पेज के एड्रेस बार पर डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो आप F6 की को प्रेस करके जा सकते हैं। इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुले हुए सारे डॉक्यूमेंट्स को बारी बारी से देखने के लिए Ctrl+Shift+F6 की का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो F7 की का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है। F7 की को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस्तेमाल करना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि इसकी मदद से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी वर्ड या टेक्स्ट के स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक को चेक कर सकते हैं। वहां आप किसी वर्ड या टेक्स्ट को टाइप करने के बाद F7 की प्रेस कर स्पेलिंग या ग्रामर को चेक कर सकते हैं। दोस्तों F8 की का इस्तेमाल कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज इंस्टॉल करते समय किया जाता है। अब विंडोज इंस्टॉल करते समय बूट ऑप्शन में जाकर F8 की प्रेस करके सेफ मोड ऑन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए भी F8 की का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बहुत से सिस्टम में आप F8 की के मदद से कंप्यूटर या लैपटॉप का प्रोजेक्ट स्क्रीन मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ PC स्क्रीन डुप्लीकेट विंडो एक्सटेंड स्क्रीन और सेकेंड स्क्रीन का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों F9 की का इस्तेमाल विंडोज में बहुत ही कम होता है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल MS ऑफिस में किया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल सेंड करने और रिसीव करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों F10 की का इस्तेमाल कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी सॉफ्टवेयर ऐप में किया जाता है। अगर आप विंडोज के किसी सॉफ्टवेयर ऐप में F10 की को प्रेस करते हैं तो उस ऐप का मेन्यू ऑप्शन खुल जाता है, जिसे आप एरो की के मदद से उन्हें ओपन कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट की के साथ F10 की को प्रेस करते हैं तो यह माउस के राइट क्लिक की तरह काम करता है। इसके अलावा F10 की को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ आप F10 की को प्रेस करते हैं तो आपको कुछ शॉर्टकट ऑप्शन मिल जाते हैं। दोस्तों F11 की का इस्तेमाल ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड ऑन करने के लिए किया जाता है। अगर आप किसी कंप्यूटर ब्राउजर में F11 की को प्रेस करते हैं तो आपके उस ब्राउजर के एड्रेस बार, टैब्स और नीचे के टास्क बार हाइड हो जाते हैं और वह पेज फुल स्क्रीन मोड में चला जाता है। फुल स्क्रीन मोड से नॉर्मल मोड में आने के लिए आप F11 की या फिर ESC की का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों F12 की का इस्तेमाल किसी भी फाइल को कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव करने के लिए किया जाता है। इससे सेव एज वाले ऑप्शन से फाइल सेव होता है और किसी सेव हुए फाइल को ओपन करने के लिए भी F12 की का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर ब्राउजर में डेवलपर टूल ऑप्शन को ओपन करने के लिए भी F12 की का इस्तेमाल किया जाता है। आप गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज जैसे ब्राउजर में F12 की प्रेस कर डेवलपर टूल ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं और उन्हें अपने हिसाब से इंस्पेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आजकल कंप्यूटर या लैपटॉप कंपनी अपनी तरफ से भी इन फंक्शन कीज को डिफाइन करते हैं, जिससे अलग अलग कंप्यूटर या लैपटॉप में इसके अलग फंक्शन फीचर होते हैं। दोस्तों अगर ये फंक्शन कीज आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इस तरह से काम ना करे तो आप FN कीज के साथ इन फंक्शन कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये FN की उन सभी फंक्शन कीज को कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज अभिषेक इन्फोटेक को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों ये थी वो जानकारी। अब आप हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और हमारा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो दोस्तों आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।